नमस्कार दोस्तों, आज आप गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया, उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है। हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही कटिंग कर ली है दोस्तों, ये सी जिसे मैं हर बात में बताती हूँ, पर इसमें आज मैंने पहले ही कटिंग कर ली है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिजाइन बनाएंगे, और ये पैठनी सिल्क सेमी पैठनी साड़ी का ब्लाउज है, इसे मैंने कट कर लिया हुआ है। तो इसको हम लोग पहले डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग ले गए 3.5, ये हमारा होगा 4 का नेक, तो हम लोग यहाँ पे 4.5 ले लेंगे और 3.5 का नेक ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा पान गला बनाने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग तीरा लेंगे 2 का। पहले हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं इसी तरह से अस्तर को ही, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पान गला ले लेंगे, शेप दे देना अच्छी तरह से, देख रहे हो एकदम परफेक्ट पान का गला। इसी तरह से हाँ, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिजाइन बनाएंगे। ये हमारी ऐसी होगी डिजाइन। इसी तरह से अभी यहाँ पे हम लोग कैनवस ले लेते हैं, और कैनवस को ऐसे फोल्ड कर लेना है, देख लेना है सीधा और उल्टा, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, इसी तरह से, और पेन ले लेंगे, इसको ऐसे खोल देंगे, जो हमारा शेप दिखता है दोस्तों इससे हम लोग शेप दे देते हैं। आपको दिख रहा है ये वाला, इसी तरह से, और यहां से हम लोग ये हमारा हो गया सेव इसी तरह से, ओके। अभी हम इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। और इसको हम लोग कट कर लेते हैं। मैंने पूरा शेप कट कर लिया हुआ है दोस्तों, इसको थोड़ा साइड रखेंगे, और इसको हम लोग ये गोल्डन कपड़े पे रखेंगे इसी तरह से। इसको चिपका भी ले सकते हैं, और इसको स्टिच भी कर सकते हैं। अभी इसको हम लोग साइड कर लेते हैं, इसको हम लोग स्टिचिंग कर लेंगे, और इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग फेविकोल चिपकाएंगे। इसको ऐसे ओपन कर लेना है हमें, थोड़ा इजी तरीका बता रहे हम, इसे कोने कोने में हम लोग फेविकोल लगा लेते हैं, यानी ये चिपक जाएगा और हमको सिलने में आसान तरीका हो जाएगा। थोड़ा इजी तरीका है, शॉर्टकट तरीका यूज कर रहे हैं हम। और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लेंगे, और इसको ऐसे बीच में से इसको फैला देंगे। बहुत सारे क्या होता है, सिलाई डालते हैं हम लोग, सिलाई नहीं डालते, इसको फेविकोल से चिपका लेना है, क्योंकि हमारा उतना ही टाइम बच जाता है, और हमारा सिलाई टालने के उतना हम लोग सिलाई मारोगे तो उतना हमारा पैटर्न रेडी हो जाएगा, तभी हम इसकी स्टिच करने को ले लेते हैं। मैंने अस्त्री से चिपका लिया है दोस्तों ये वाला, और इसको साइड साइड से कट कर ले, इसको थोड़ा साइड रख लेते हम। इसको हम लोग पहले कोने कोने से सिलाई कट कर लेते हैं, सॉरी कैनवस को छोड़ के कट कर लेना इसी तरह से, पूरा ही कट कर लेना है हमें। और दो आसान तरीका एकदम सिलने का, और दिखने में बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से हम पूरा ही कट कर लेते हैं, पूरा कट कर लिया। अब इसका बीच का सेंटर कर लेंगे हम इसी तरह से, परफेक्ट करना है दोस्तों, आड़ा टेढ़ा थोड़ा भी हमें करना नहीं है। इसी तरह से इसको है ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे, यानी बीच का सेंटर हमें मिल जाएगा इसी तरह से। अब इसको थोड़ा साइड रखेंगे, और ये वाला पार्ट ले लेते हैं हम।
इसको भी हम बीच का सेंटर बनाएंगे। इसी तरह से और फिर इसी तरह में करना है और उल्टे से सीधे जाना है हमें। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो पहले ऊपर से हमने कट कर लेना है। ओके, ये वाला। तो अभी यहां पर हम लोग इसको ऐसे रखना है बीच में से, यानी हमारा तीरा भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट। यहां पे हम लोग पिनअप कर लेते हैं बीच में से, यानी हमारा कपड़ा हिलेगा नहीं, यानी फैलेगा नहीं, इसी तरह से। ओके, तो यहां पर हम लोग सिलाई मारेंगे अभी। उल्टे से जाना है दोस्तों और कैनवस को छोड़ के हमें सिलाई मारना है इसी तरह से, यानी हमारा शेप अच्छी तरह से आएगा। देख रहे हो आप, कैनवस को छोड़ के मैं सिलाई मार रही हूँ और धीरे धीरे करना है, घाई गड़बड़ थोड़ा भी नहीं करना है, नहीं तो शेप हमारा बराबर आएगा नहीं, जो हमें शेप चाहिए वो वाला। यहाँ पे इसे सुई दबा देनी है वापस। जहां पे हमारा कैनवस है वहां पे इसे हल्के हल्के सिलाई मारते जाना है और कैनवस को छोड़ के मारना है, कैनवस को लेके मारना ही नहीं है हमें। देख रहे हो पूरी मैंने सिलाई मार ली हुई। अब यहाँ पे हम लोग पिनअप निकाल देंगे और यहां पर हम लोग कट कर लेंगे। हाँ दोस्तों, जिसको भी गीता लिस्ट लेनी, कटिंग लेनी होगी तो वेबसाइट का नाम है लैपोज, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो अभी मेरा वीडियो आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेस कर लेना है लैपोज नाम है वेबसाइट का। जितनी भी आपको टेलर की चीज चाहिए वह सामग्री आपको वहाँ से मिल जाएगी। अभी यहाँ पे देख रहे हो इसी तरह से मैंने कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग नोचेस लगाएंगे हल्के हल्के, यानी हमें पलटी करने में आसान तरीका हो जाएगा और शेप भी हमारा जैसे चाहिए वैसे आ जाएगा। वहां पे राउंड है वहां पे ही करना है इसी तरह से। ओके, अभी हम इसको इसे पलटी कर लेते हैं इसी तरह से। और जो जो अभी कपड़ा दिख रहा है इसकी हम लोग पाइपिंग निकालने वाले छोटी वाली इसी तरह से, और इसको हम लोग सिलाई मारेंगे कोने कोने में, यानी हमारी पाइपिंग भी निकलेगी और शेप भी हमारा जैसे चाहिए वैसे आ जाएगा। और यहाँ पे हमें पाइपिंग निकालने की जरूरत भी नहीं, मतलब कपड़े की पाइपिंग हम लोग खींचेंगे इसी तरह से, यानी ये हमारा एक काम में हमारा दो काम हो जाता है। संभाल के लिए नहीं, जितनी आपको मोटी पतली पाइपिंग चाहिए आपके हिसाब से निकाल सकते हो दोस्तों। अभी यहाँ पे मैं एकदम पतली ही पाइपिंग निकाल रही हूँ, थोड़ा कपड़ा खींच रही हूँ हल्का सा। यहाँ पे सुई दबा, देख रहे हो कितनी पतली पाइपिंग मैंने निकाल ली हुई है। अभी यहाँ पे मैं सुई दबा देती हूँ। तो वापस इसी पाइपिंग हम पूरी निकाल लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पूरी पाइपिंग निकाल ली है दोस्तों, आपको उल्टा करके बताएंगे। यही जो अस्तर का कपड़ा था मैंने थोड़ा आगे खींचा और ऐसी मैंने पाइपिंग बना ली, यानी हमें डबल काम नहीं। अभी जो ये दिख रहा है अभी इसको हम लोग ऊपर से सिलाई मार लेते हैं इसी तरह से कोने कोने में। हमें यानी हमारा कपड़ा थोड़ा भी फैलेगा नहीं, राउंड में हमें जैसे चाहिए वैसे राउंड आएगा। यहाँ पे मैंने सुई दबा दी हुई है इसे धीरे धीरे करके हमें जाना है। इसी तरह से हम पूरी सिलाई मार लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने इसे पता के कट कर लिए दोस्तों, ब्लू कलर के आप देख रहे हो, डेढ़ डेढ़ इंच के। अभी हम लोग इसको ऐसे करना है,
इसको हम लोग ऐसे करना है, इसी तरह से इसको ऐसे करना है और ऐसे फोल्ड करना है, बीच का सेंटर लेना है परफेक्ट इसी तरह से। और यहाँ से जो हमारा जो पॉइंट दिख रहा है हम इसको यहाँ पे इसे लगाएंगे, इसी तरह से करना है, पॉइंट परफेक्ट लेना है, यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। यानी शेप भी अच्छा आ जाएगा और दिखने में भी अच्छा है। साड़ी का कलर ये है, इसी तरह से यहाँ भी हम लोग इसे लगा लेते हैं सेम, जहाँ पे पॉइंट है हमारा इसको वापस ऐसे करेंगे, इसको ऐसे हाथों से प्रेस करना है इसी तरह से। थोड़ा थोड़ा सिलाई मारना है इसी तरह, यानी हमें समझ में आता है इसी तरह से सब जगह हम लोग पॉइंट पॉइंट में पता के लगा लेते हैं। मेन मेन पॉइंट लगा लिया हुआ है, ब्लू कलर का कपड़ा जो धागा दो रहा है वो हम लोग कट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो लेस लगा लेंगे गोल्डन वाली, तो इसको हम लोग इसके ऊपर से ढक देंगे इसी तरह से। और थोड़ा भी हमें लेस खींचना नहीं है दोस्तों, ये लेस अपने आप फोल्ड होती है यानी शेप में आ जाती है इसी तरह से। और ये हमारा ढक जाएगा, इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे बीच में लाना है इसी तरह से। और इसको ऑल राउंड में लेना है हमें, देख रहे हो इसको और ऐसे रखना है हमें, यानी ये सेफ भी दिखता है और फोल्ड भी जल्दी हो जाती है लेस हमारी। इसी तरह से राउंड देना है, इसे सारी लेस हम लगा लेते हैं। डबल सिलाई मार ली दोस्तों क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, इसीलिए मेन मेन पॉइंट बताए गए। अभी यहाँ पे हम लोग टक्स पॉइंट लगा लेते हैं 4.5 की दूरी पे, लास्ट में लगाना है पैटर्न होने के बाद ही, आगे पीछे कर लेंगे दोनों साइड लगाना है। पाव पॉइंट इसी तरह से। और यहाँ से हम इसे नाखून लगा लेंगे। और यहाँ पे मैंने गोल्डन कपड़ा लिया हुआ है 2 इंच का कटा हुआ है मैंने, और इसको हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे इसी तरह से। और यहाँ पे हम लोग उल्टे से लगाएंगे पट्टी गोल्डन, इसको इसे सिलाई मार देनी है पूरी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो लोग हम कट कर लेते हैं इसी तरह से। और यहाँ से हम लोग इसे करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और इसको ऐसे दबा लेना है और इसको ऐसे हम लोग इसकी पट्टी निकाल लेना है इसी तरह से। पॉइंट जैसे हमें यहाँ पे कोने कोने में सिलाई मारते जाना है, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ये, इसी तरह से हम पूरी सिलाई मार लेते हैं।
देखा ना दोस्तों कैसे बना दे, सिंपल और आसान तरीका है दोस्तों ब्लाउज का, और एकदम आसान तरीका है। तो मुझे लग रहा है आपको मेरा वीडियो पसंद आई होगा, तो जितना होगा उतना शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही प्यार देते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।